काम यह है कि अब इंडिया को धीरे धीरे वो बिक्री कर रहे हैं, एक एक आइटम को, एक एक आइटम को बिक्री कर रहे हैं। काम नहीं हुआ? हाँ ये काम तो हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे भारत को ही बेच के चले जाएंगे वो। मोदी जी भाजपा पहले से अच्छा रिजल्ट करेगा, सरकार नहीं बनाने सकेगा। मैंने आप बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छा रिजल्ट करेगा? अच्छा पहले से अच्छा। पहले से अच्छा करेगा। और वैसी का यहाँ नहीं चलेगा बंगाल में, वो बाहर का है, हैदराबाद का है ना। गुजरात में चल गया, बंगाल में कहने चले? मोदी जी तो 15 लाख का ड्रेस पहनते हैं, 20 लाख का ड्रेस पहनते हैं, अब बोलते हैं हम चौकीदार हैं। हाँ चौकीदार है, चौकीदार चौकीदार अब थोड़े हैं, लोकसभा चुनाव तक चौकीदार थे। तो चौकीदार का ही 20 लाख का ड्रेस पहनता है? हाँ तो अम्बानी अडानी के चौकीदार हैं वो। के मोदी जी किसके चौकीदार? अम्बानी का, अडानी का। क्या बात बोल रहे? हम सही बात बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है। अहमद चाचा कहाँ के रहने वाले? ओरिजिनल बतावे कि कलकत्ता का बतावे? अभी क्या ओरिजिनल? अभी ओरिजिनल है तपसिया, वेस्ट बंगाल कलकत्ता। वेस्ट बंगाल कलकत्ता। पुराना? पुराना मेरा ओरिजिनल घर है समस्तीपुर, बिहार। तब वोटर कहाँ का? वोटर हम बंगाल का है। बंगाल में तो अभी माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? माहौल तो भाई बहुत अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी वाले तो बहुत जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल तो दूसरा है। दूसरा माने? दूसरा माने ये हुआ कि जो उनका जो पॉलिसी है मोदी जी का, हाँ। वो बांटने वाला पॉलिसी है। अच्छा है ना, बांटने वाला पॉलिसी है वो। सिर्फ खाली लंबा लंबा भाषण मारते हैं, सबका विकास सबका साथ, लेकिन ऐसा बात है नहीं। ओरिजिनल कुछ और बात है। क्या बात? बात यह है कि बस सिर्फ भाषण उनका है, काम धंधा कुछ होता नहीं है। कितना काम कर रहे हैं, कितना चीज बेच रहे हैं, काम ही नहीं दिख रहा। हाँ, काम यह है कि अब इंडिया को धीरे धीरे वो बिक्री कर रहे हैं। हाँ। एक एक आइटम को बिक्री कर रहे हैं। काम नहीं हुआ? हाँ ये काम तो हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे भारत को ही बेच के चले जाएंगे वो। के मोदी जी और ओवैसी चाचा का क्या हाल है? ओवैसी चाचा का हाल बहुत खराब है। वो बंगाल में चलने उलने वाले नहीं। ओवैसी चाचा जिसके भरोसे थे, इधर दिखाइए। हाँ ओवैसी चाचा जिसके भरोसे थे, अब्बास सिद्दीकी नाम सुने हैं? हाँ तो धोखा देख चल गए। धोखा दे गए। ओवैसी का यहाँ चलेगा कुछ थोड़ी? ओवैसी का यहाँ नहीं चलेगा बंगाल में, काहे? वो बाहर का है, हैदराबाद का है ना। गुजरात में चल गया, बंगाल में कहने चले? तो उसका बगल में हैदराबाद का। अच्छा तो बंगाल बहुत दूरी में है। अच्छा तो यहाँ नहीं चलेगा उनका, यहाँ अब्बास का ही चलेगा। अब्बास सिद्दीकी का चलेगा? अब्बास सिद्दीकी का चलेगा। कितना चलेगा? और थोड़ा सा चलेगा, अभी अभी तो नया पार्टी है ना। हाँ थोड़ा सा चलेगा उनका, अब्बास सिद्दीकी का थोड़ा सा चलेगा। हाँ। तो इससे कांग्रेस और लेफ्ट को फायदा होगा? थोड़ा बहुत जरूर फायदा होगा। कौन सीट आएगा? अब कई सीट का अनुमान लगाना तो अभी थोड़ा दिक्कत वाला, लेकिन सीट थोड़ा बढ़ेगा, लेफ्ट का भी सीट बढ़ेगा और कांग्रेस का भी सीट बढ़ेगा। अब्बास साहब को भी कुछ कुछ ना मिल ही जाएगा। अब भाजपा को? भाजपा का पहले से अच्छा रिजल्ट करेगा वो। भाजपा पहले से अच्छा रिजल्ट करेगा, सरकार नहीं बनाने सकेगा। मैंने आप बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छा रिजल्ट करेगा? अच्छा पहले से अच्छा। पहले से अच्छा करेगा। क्यों अच्छा करेगा? बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि अच्छा सरकार, मैंने मोदी सरकार कैसे नहीं अच्छा काम किया? इतना रुपया जो खर्च कर रहा सरकार, दिल्ली सरकार, तो ऐसे ही तो खर्चा नहीं कर रहा ना भाई। पब्लिक को 500 रुपया देता है, खाना खाने का सामान देता है, गाड़ी देता है, चलो कलकत्ता घूमने के लिए, तो वोट तो बढ़ेगा। वोट उसी से बढ़ेगा? उसी से बढ़ेगा। काम से? काम से नहीं बढ़ेगा। पैसा सभी दुनिया हो गया अभी पैसा का, पैसा लो वोट दो। आपको पैसा देगा भाजपा वाला? वोट दीजिएगा? नहीं देंगे। तो दूसरा काहे देगा? देगा। काहे देगा? देगा। काहे देगा? काहे देगा, देना है उसको। हम सब आदमी तो लालची नहीं होता है ना। आप हैं? नहीं हम लालची नहीं है, हमको जो दिल करेगा हम वही देंगे। हाँ। उसी को वोट देंगे हम। हाँ। दिल किसके लिए है? हाँ? अब्बास सिद्दीकी की ममता दीदी? अब ममता दीदी को देंगे हम लोग, ममता बनर्जी को वोट देंगे। हाँ हम लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे। काहे? हम लोग उसी को देते हुए आ रहे हैं। खुश हैं उससे, ममता बनर्जी से खुश हैं हम लोग। ममता दीदी पैदल रैली करती है? हाँ पैदल रैली चलती है, और हवाई चप्पल पहनती है, साड़ी पहनती है। मोदी जी तो 15 लाख का ड्रेस पहनते हैं, 20 लाख का ड्रेस पहनते हैं, अब बोलते हैं हम चौकीदार हैं। हाँ चौकीदार है, चौकीदार चौकीदार अब थोड़े हैं, लोकसभा चुनाव तक चौकीदार थे। तो चौकीदार का ही 20 लाख का ड्रेस पहनता है मोदी जी? शौक है पहनेंगे? शौक है, चौकीदार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा?
को दिया होगा पार्टी फंड वाला? वो अंबानी अडानी दिया होगा। हाँ तो अंबानी अडानी के चौकीदार हैं वो के मोदी जी। किसके चौकीदार? अंबानी का, अडानी का। क्या बात बोल रहे? हम सही बात बोल रहे हैं। पहले ट्विटरवा पर लिखे थे चौकीदार नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी उसी के चौकीदार है। खत्म कर दिया लोकसभा के बाद। हाँ आप चौकीदार जो है ना ओरिजिनल में हम पब्लिक का नहीं है। मोदी जी नहीं जोगियो जी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो ममता का जो आदमी है ममता को ही वोट देगा, जोगी जी आवे चाहे जो भी आवे। ओवैसी चचाएंगे तो? ओवैसी को तो यहाँ कुछ चलेगा ही नहीं बंगाल में। ओवैसी आवे नहीं करेगा यहाँ बंगाल में, ओवैसी का नहीं चलने वाला है। बिहार में सोचे थे कि चलेगा? हाँ बिहार में चलेगा, बिहार में थोड़ा सा बॉर्डर इलाका जो है वहाँ उनका चला है, बीच वाला इलाका बिहार में तो नहीं चला उनका। यहाँ तो 30% मुस्लिम है। हाँ लेकिन यहाँ तो अब्बास साहब खड़े हो गए ना। अब्बास और ओवैसी साथ रहते तो? साथ रहते तो बहुत बड़ा असर पड़ता, बहुत बड़ा असर पड़ता, लेकिन ओवैसी तो साइड हो गए वो। अच्छा दोनों को फायदा होता कि खाली ओवैसी साहब को फायदा होता? अब्बास ओवैसी दोनों को फायदा होता? नहीं दोनों को फायदा होता। अभी अब्बास सिद्दीकी अभी ठीक है कि ओवैसी के साथ रहते तो ज्यादा फायदा? नहीं अभी ठीक है वो, ओवैसी को काट दिया अच्छा किया। ओवैसी जो है ना वो दूसरा माइंड का आदमी है, उसको अच्छा लोगों मुसलमान लोग खास तौर से उसको अच्छा नज़र से नहीं देखता है। यहाँ ममता का चलता है, ममता ही चलेगा। चलिए तो चचा का कहना है कि चलेगा तो बस ममता का, ममता का चलेगा। अकेला चलो, अकेला चलो रे। तो सोचते क्या है आप, प्रतिक्रिया दीजिएगा। सफ़र जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जय भीम जय भारत।